हेलो दोस्तों, आज है मासिक शिवरात्रि और मैं जा रही हूँ मंदिर। तो मैंने घर में पूजा कर लिया है, अब मैं चलती हूँ मंदिर। तो मंदिर हम जाते हैं खाली पैर, और हमारा जो रास्ता है बाहर वो टूटा हुआ सड़क है, इधर सड़क नहीं बन रहा है, तो इधर ही से हम लोग को खाली पैर जाना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, यहाँ है बेल का पेड़। तो बेल का पेड़ में पहले शिव मंदिर जाने से पहले हम बेल का पेड़ में पूजा करते हैं। घर से लोटा लाते हैं जल, और उसमें एक अक्षत का दाना डालते हैं, और वही जल आधा हम बेल का पेड़ में चढ़ा देते हैं, नीचे बेल का जड़ में। तो यहाँ चढ़ाने से 64 लाख तीर्थ हो जाता है। तो इसलिए ज़रूर कभी भी शिव मंदिर जाएँ तो बेल का पेड़ में ज़रूर आप जल चढ़ाएँ। तो मैं भी जल चढ़ा लेती हूँ, और बेल को छूकर हम प्रणाम कर लेते हैं। और यहाँ जो मिट्टी होता है बेल के पेड़ के नीचे, उसको ज़रूर दोनों हाथ से छू के अपने माथे में लगाना चाहिए। यहाँ पे सभी देवी बेल के पेड़ के नीचे सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो आप कभी भी शिव मंदिर जाएं तो बेल के पेड़ के नीचे पूजा करें, और फिर उसके बाद आप मंदिर जाएं। तो मैं भी ऐसे करती हूँ। और अब हम पहुंचने वाले हैं शिव मंदिर। तो देखिए, मैं शिव मंदिर पहुंचने ही वाली हूँ। तो यहाँ पे है रास्ता में साइड में बना हुआ है, तो इसको हम घुमा के निकल जाएंगे। और फिर उसके बाद इस मंदिर में बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं, और ये पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ में हम लोग पूजा करते, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगी। अभी मैं सीधा जाऊँगी शिव मंदिर, और शिव मंदिर के किनारे किनारे साइड साइड में विश्वकर्मा मंदिर भी है, और सतबहिनी मंदिर है, और बहुत सारे मंदिर हैं। और उधर तालाब है, और उधर छठ भी होता है। और अब हम देखिए, यहाँ का गेट बंद हो गया। आज मेरा लेट हो गया, 11:30-12 बज गया है, तो आज लेट हो गया, तो यहाँ बंद है। तो इसको हम खोल देते हैं, नहीं तो फिर इसमें यहाँ चले जाते हैं जानवरों, इसीलिए। तो मैं मंदिर पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ पे देखिए कबूतर हैं, और यहाँ पे मंदिर है राम जी का, और इस साइड में है कृष्ण जी का और राधा जी का मंदिर, और उधर है कबूतर। और हम पहुंच चुके हैं शिव जी के पास। ये है मेरे भोलेनाथ। तो अब हम इनकी पूजा करते हैं। तो मेरी पूजा देखिए, इधर कबूतर भी हैं। तो चलिए मैं पूजा करके, फिर देखिए मैंने पूजा कर लिया है। तो अब पूजा करने के बाद हम करेंगे द्वार पूजन। द्वार पूजन ज़रूर करना चाहिए निकलते समय, बस जल छिट के हो गया, और प्रणाम कर लीजिए। और हम यहाँ पे परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा हम आधा ही करेंगे। तो ये है राधा और कृष्णा का मंदिर। तो हम यहाँ से शिव मंदिर से निकलेंगे, और राधा कृष्णा को जी को प्रणाम करके फिर ऐसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर आपको जो मंत्र आता है वो मंत्र जपते जपते आधा परिक्रमा करेंगे, पूरा नहीं घूमेंगे। तो हम यहाँ देखिए, ये है लक्ष्मी जी और विष्णु जी, इनको भी हम प्रणाम कर लेते हैं। और फिर हम गोले गोल से उधर से नहीं घूमेंगे, हम फिर वापस पीछे से लौट जाएंगे, क्योंकि शंकर जी को कभी भी पूर्ण परिक्रमा नहीं करना चाहिए। अगर हम पूर्ण परिक्रमा करते हैं तो हमारा सारा पुण्य खत्म हो जाता है। तो इसलिए कभी भी आप शंकर जी का पूर्ण परिक्रमा मंदिर में कभी नहीं करें। तो अब हम आ गए हैं राम जी के मंदिर में। तो राम जी के मंदिर में राम जी हैं, और सीता माता, लक्ष्मण और बजरंग बली। तो हम इनको भी प्रणाम कर लिए हैं। आप चलते हैं माता रानी पार्वती माता के पास, उनका भी आशीर्वाद ले लेंगे हम, और उनको भी हम प्रणाम कर लेंगे। तो यहाँ है हमारी माता रानी, तो चलिए हम इनको भी प्रणाम कर लेते हैं, और इनसे आशीर्वाद ले लेते हैं, और इनका मंत्र पढ़ लेते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जय माता दी। तो हम इनको प्रणाम करके और इनका आशीर्वाद ले लेंगे, और फिर हम चलते हैं अपना
भोलेनाथ से प्रसाद लेंगे और भोलेनाथ से हम कभी भी भोलेनाथ को प्रणाम कर लेंगे और प्रणाम कर जल का सिंचन करके और भोलेनाथ को हम प्रणाम कर लेंगे और उनसे प्रसाद मांग लेंगे। तो प्रसाद में मैं देखिए लोटा में वहाँ जल मेरा नीचे आ रहा है, तो मेरा जल आ गया है और इसको हम इसमें हम थोड़ा सा बेलपत्री मांग के ले जाएंगे और इस जल को घर में सिंचन मतलब छीट देंगे, तो इससे घर का भंडार भरा रहता है। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।